हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अक्सर हम लोग देखते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, सीबीसी की रिपोर्ट्स में, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तब हमें पता चलता है हमारे शरीर में खून की कमी है। तो ये खून की कमी बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बीमारी जैसे भी फॉर्म हो सकती है, इसीलिए इसे करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब खून की कमी में हीमोग्लोबिन लेवल जो कम हो जाता है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि हीमोग्लोबिन होता कहाँ है और उसका काम क्या है। आपके खून में तीन सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल, एक WBC वाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट। जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके रेड ब्लड सेल में होता है, RBC में होता है, उसकी छोटी सी मात्रा प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है? ये आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को ये ले जाता है आपके बॉडी में, पूरे शरीर में, हर पार्ट्स में, हर सेल को ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, आप कह सकते हैं, जिससे अपनी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है और ऑक्सीजनेटेड रहती है और ऑक्सीजन मेंटेन रखती है। जब भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल डिस्टर्ब होता है, तब आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और उसके कुछ सिम्टम्स आपके सामने आने लगते हैं। पहले हम देखते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना है आदमियों में और औरतों में। अगर कोई मैन है, मेल है, तो उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है 13.2 से 16.6 mg/dL। अगर कोई फीमेल है, औरत है, तो उसका 11.5 से लेकर 15 तक हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है। जब भी ये रेंज से आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि थकान होने लगती है। आप थोड़ा भी काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, आपको थकान हो जाएगी, बैठने का मन करेगा, कमजोरी रहेगी, आपके दिल की धड़कन फास्ट हो जाएगी, मतलब पाल्पिटेशन आपको महसूस होगी, दिल की धड़कन, जब भी आप रिलैक्स करेंगे या बैठेंगे। आप इरिटेबल रहेंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपका घबराहट रहेगी, कोई भी चीज़ में आपको घबराहट होगी, सांस फूलने लगेगी, थोड़ा भी आप वॉक करेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, चक्कर आएगा, थकान होगी, आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा, खून जमना कम हो जाएगा, अगर कुछ इंजरी होती है तो आपका खून बहेगा ज़्यादा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके फेस पे सफ़ेदपन आएगा, आपका चेहरा जो है सफ़ेद दिखेगा, लोग दूसरे भी बता सकेंगे कि आपका चेहरा सफ़ेद दिख रहा है, या आँखों में सफ़ेदपन आएगा और पीलापन भी दिख सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये हीमोग्लोबिन के कम होने के हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनीमिया। हम कहते हैं कि आप अनीमिया हुआ है, आपको ये अनीमिया से आप गुजर रहे हैं, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपको, तो आप प्लीज़ CBC रिपोर्ट कराएं और देखिए अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है कि नहीं। अगर हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम आता है नॉर्मल रेंज से, तो ये सब चीज़ें खाने से आपका 8 से 10 दिन में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, आपकी खून की कमी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का इंटेक बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन योर हीमोग्लोबिन और टू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन। तो फॉलिक एसिड मिलता किसमें है? सबसे पहले ये मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जो डार्क ग्रीन कलर की पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, ये सारे चीज़ों में फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, ये सब में फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी खासी होती है और ये आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपको विटामिन सी करेक्शन करना चाहिए। अब विटामिन सी हमें कहाँ मिलेगा? विटामिन सी मिलता है आपको नॉर्मल सी चीज़ों में जो आपके फ्रिज में हमेशा अवेलेबल होती हैं, जैसे कि नींबू, लेमन में, संतरा, पपाया, पपीते में आपको मिलेगा, ब्रोकली में आपको मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ेगी, ग्रेप्स में मिलता है और संतरे में मिलेगा, ये सारी चीज़ को आपको ज़्यादा खाना, ज़्यादा मात्रा में खाना है, तो आपका फॉलिक एसिड लेवल और विटामिन सी का लेवल प्रॉपर हो जाएगा। अब जब भी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल डिस्टर्ब होता है या आयरन लेवल कम होता है, तो हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई ना कोई सप्लीमेंट लेकर आते हैं टू इंक्रीज और आयरन लेवल, जैसे कि कोई भी टैबलेट्स या सिरप के फॉर्म में। तो उसके बाद हम ज़रूर ये क्वेश्चन पूछते हैं या हमारे दिल में उठता है कि इसके साथ और हम क्या खाएं ताकि जल्दी हमारा खून बढ़े। तो उसके लिए आपको सबसे पहले खाना है चुकंदर, बीटरूट। बीटरूट में आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है और विटामिन सी भी है, तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। चुकंदर को आप जूस के फॉर्म में भी खा सकते हैं, अगर आपको जूस नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसे भून कर भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज अनार।
अनार बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आयरन का, इट्स गुड फॉर इंक्रीज योर आयरन लेवल। अनार की जो छोटी बारीक बीज होती हैं उसमें भी बहुत सारा आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए जब भी आपको खून की कमी हो आयरन अनार का आप जूस बनाकर पी लें या आप डायरेक्ट खाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप पालक ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, सेब में भी बहुत अच्छा आयरन प्रेजेंट होता है। जब आप देखते होंगे एप्पल को अगर आप कट करके रख देते हैं तो वो ब्राउन कलर का कलर आ जाता है उस पर थोड़ी देर में, क्यों? क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप वो भी खाएं। आप गाजर खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। आप अगर ये सारी चीज़ें खाते हैं, आपके डाइट में ऐड करते हैं, तो 8 से 10 दिन में आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर खून बढ़ाने के लिए। इसके साथ चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स या मेडिसिन बोल सकते हैं जो आपको मदद करेगी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। सबसे पहली है SBL की बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1, जिसपे अनीमिया भी लिखकर आता है। ये इंडियन कंपनी है, इसके आप 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है अगर बड़े हैं, एडल्ट हैं। अगर बच्चों में कमी है खून की तो 2-2 गोली दिन में 3 बार आप दे सकते हैं या 2-2 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं, जैसे आपके डॉक्टर बताएंगे उस हिसाब से आपको देना है। नेक्स्ट है सिरप जो बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है फेरियम सिप, ये भी SBL कंपनी की है। ये सब मेडिसिन लेने के बाद, डाइट चेंज करने के बाद अगर फिर भी आपका अनीमिया क्लियर नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद एवरीवन। थैंक यू।